बिग बॉस सीजन 15 के ओटीटी कंफर्म कंटेस्टेंट्स के लिस्ट आ रहे हैं सामने, तो इन कंफर्म कंटेस्टेंट्स के बारे में जानने के लिए जरूर देखिए मेरा ये वीडियो। नमस्कार, मैं स्निग्धा, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, बिग बॉस सीजन 15 एक अलग ही बस क्रिएट कर रहा है। डे बाय डे एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट्स के नाम आ रहे हैं सामने। ऐसे में हर कंटेस्टेंट्स के बारे में जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। आपको बता दूं कि सबसे पहला नाम आ रहा है द पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन का। आप सभी को बता दूं कि नेहा भसीन ने सलमान खान की फिल्मों में कई सारे गाने दिए हैं, जैसे स्वैग से स्वागत, तेरी गलियां, आपको बता दूं कि वल दिल दिया गल्ला, कई ऐसे गाने हैं जिसमें नेहा भसीन ने अपनी शानदार गाने से फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया है। कहीं ना कहीं नेहा भसीन सलमान खान के लिए बेहद ही लकी भी साबित हुई है, और अब वही नेहा भसीन आने वाली है बिग बॉस के घर में। वहीं दूसरा नाम सामने आ रहा है करण नाथ का। आपको बता दूं कि वेल बॉलीवुड एक्टिंग की दुनिया में करण नाथ ने एक अलग ही पहचान बना ली। ऐसे में करण नाथ ने सबसे पहले आपको बता दूं कि तुम फिल्म में काम किया था और बेहद ही शानदार एक्टिंग के जरिए सभी के दिल को जीत लिया था। इसी के साथ आपको बता दूं कि कई सारी फिल्मों में करण नाथ ने वापसी की है। वहीं रिसेंटली गन्स ऑफ बनारस में करण नाथ ने वापसी करके एक बार फिर खुद को सुर्खियों में बनाए रखे थे, और अब तो बिग बॉस सीजन 15 में एंट्री करने जा रहे हैं। ऐसे में ये हैंडसम हंक फटा पोस्टर निकला हीरो को देखना बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं आपको बता दूं कि तीसरा नाम है नेहा मारदा। जी हाँ, नेहा मारदा जो कि टीवी एक्ट्रेस रह चुकी हैं पॉपुलर, उनको आपने कई सारे टीवी शोज में देखा था, जैसे कि बालिका वधु और कई सारे टीवी शोज में। ऐसे में नेहा मारदा को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिग बॉस के घर में देखना बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि रिद्धिमा पंडित का नाम सामने आ रहा है। रिद्धिमा पंडित ने कई सारे टीवी शोज से ही सबसे पहले शुरुआत की थी। ऐसे में एकता कपूर की ये टीवी एक्ट्रेस बिग बॉस में अब नजर आने वाली है। आपको बता दूं कि इनका पहला टीवी शो था रोबोट वाली बहू, ऐसे में जिसमें बहुत ही शानदार एक्टिंग की वजह से रिद्धिमा पंडित ने बहुत ही सारा वेल अटेंशन ग्रैब किया था, और इसी के साथ एक्टिंग की दुनिया में एक अलग ही लेवल और एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। इसके अलावा आपको बता दूं कि नाम सामने आज आ रहा है दिव्या अग्रवाल। एस ऑफ स्पेस की विनर रही दिव्या अग्रवाल, जो कि आपको बता दूं कि कई सारे रियलिटी शोज का भी हिस्सा हो चुकी हैं, और साथ ही साथ खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में वरुण सूद की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि दिव्या अग्रवाल को बिग बॉस के घर में देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि पवित्र पुनिया के एक्स बॉयफ्रेंड प्रतीक सहजपाल की भी एंट्री होने वाली है। हालांकि प्रतीक सहजपाल को कई बार हर सीजन्स में अप्रोच किया गया, लेकिन फाइनली वो हर सीजन्स में तो कोई ना कोई रीजंस की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन इस बार के सीजन में प्रतीक सहजपाल की एंट्री होनी तो तय है। इसके अलावा अगर बात करें कुमकुम भाग्य फेम एक्टर, तो जिशान अली भी बहुत जल्द आने वाले हैं। आप सभी को बिग बॉस में नजर। जिशान अली रिसेंटली आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पर बाथरोब में स्पॉट किए गए थे, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने हुए थे, और अब वो सुर्खियों में बने हुए हैं बिग बॉस को लेकर। तो फाइनली ये है वो कंटेस्टेंट्स के लिस्ट जो कि बिग बॉस सीजन 15 में आकर कमाल धमाल मचाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि इस बार बिग बॉस ओवर द टॉप जाने वाला है। सो आर यू ऑल रेडी और नॉट, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।